हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अलोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो आज की हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, कई लोग कहते हैं कि 2BHK के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा बजट इतना नहीं है, तो उनकी डिमांड पर 2BHK तैयार कर दिया है 50 गज में। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक 75 गज का ऑप्शन है और एक 50 गज का 2BHK का ऑप्शन है, जो आपके बजट में रहने वाला है। जो इसका प्राइस रहने वाला है वो मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगी। फ्रंट साइड पे हमारा 75 गज का 2BHK रहेगा और बैक साइड पे हमारा ये 50 गज का रहेगा, जिसकी हम वीडियो इस टाइम शूट कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशियस फ्लैट रहने वाला है। जब आप लाइव इस फ्लैट को आके साइट विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 50 गज में भी इतना अच्छा स्पेस है कि इतना स्पेशियस इसका लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम्स और जो हमारे बेडरूम्स हैं, वेंटिलेशन पर्पज से इस फ्लैट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डिटेल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक मिनट का पहले टीजर देख कर आते हैं। तो ये तो था हमारा फ्लैट का टीजर। अब हम इसकी डिटेल वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस टाइम मैं खड़ी हूँ हमारे लिविंग एरिया में, उसी के साथ ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन होने वाली है। अटैच हमारा वॉशरूम रहेगा जो कि हमारा इस साइड रहने वाला है, और मेरे फ्रंट साइड पे हमारे दो बेडरूम्स रहेंगे। फर्स्ट बेडरूम हमारा ये रहेगा और सेकेंड बेडरूम हमारा ये होने वाला है। तो अब हम इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी रहेगी राजापुरी। राजापुरी रहेगा 50 गज का 2BHK, उसी के साथ साथ नियर बाय द्वारका रहेगा। नियर बाय द्वारका सेक्टर 3 पड़ता है इसके, बिल्कुल हार्डली यहाँ से 500 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन की, तो यहाँ से उत्तम नगर वेस्ट और उत्तम नगर ईस्ट दोनों मेट्रो स्टेशन ही हमारे पास रहेंगे। थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं तो द्वारका मोड़ भी मेट्रो स्टेशन हमारा यहाँ से आ जाएगा। मतलब तीन तीन मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी रहेगी हमारे इस फ्लैट से। मतलब ये इतना अच्छा फ्लैट है कि हमें इसमें कनेक्टिविटी की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेस की भी नहीं आएगी। आसपास बहुत कुछ रहने वाला है। अगर पीछे बैक साइड पे हम द्वारका निकले तो नियर बाय आकाश हॉस्पिटल आएगा, पेट्रोल पंप है, सेक्टर 3 और 5 की मार्केट है, उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे सेक्टर 12 की मार्केट है। मतलब मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ पर हमें इजीली मिलेंगी। स्कूल्स भी बहुत नियर बाय रहेंगे, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्यूशन सेंटर्स हो गए। मतलब इस फ्लैट के नियर बाय हमें इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। लिविंग एरिया कितना स्पेशियस है, प्रॉपर आप देख सकते हैं सोफा, बीच में टेबल, उसके बाद हमारे दो पफीज भी रहने वाले हैं। फ्रंट साइड पे हमारा LED पैनल रहेगा जो कि हमारा ड्यूअल शेड में रहने वाला है। जितना भी बड़ा LED हो इजीली हमारा इस पे हैंग हो जाएगा। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी फॉल सीलिंग पे, कॉब लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स के साथ कितनी शानदार रहने वाली है। इसमें भी आपको शैंडलियर फिटेड करा के दिया जाएगा। उसी के साथ साथ बात करें AC की डक्टिंग की, तो स्प्लिट AC का प्रोविजन हमारा इस साइड रहेगा। मतलब बहुत ही स्पेशियस हमारा लिविंग एरिया है। उसी के साथ ओपन में हमारी मॉड्यूलर किचन है। बेसिकली हमें किचन थोड़ी छोटी छोटी मिलती है क्योंकि 40-50 गज रहता है, लेकिन इसकी इतनी स्पेशियस है कि इजीली 3 लेडीज इसमें काम इजीली खड़े होकर कर सकती हैं, इतना स्पेस इसके अंदर है। जितनी भी सैनिटरी है सारी ब्रांडेड फिटिंग है, 2 ईयर्स वारंटी के साथ। चिमनी आपको फिटेड करा के दी गई है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ्रिज के प्रोविजन की, तो इस साइड हमारा फ्रिज आ जाएगा सेपरेटली, उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। RO की फिटिंग हमारी इस साइड रहेगी, और जितने भी इसमें कॉलम्स हैं सारे बहुत ही स्पेशियस हैं और हाइड्रोलिक रहेंगे। मतलब ये हमारा प्लेट्स के लिए कॉलम है, इस साइड नीचे हमारा स्पून्स के लिए हैं, और जितने भी हमारे बड़े बड़े बर्तन होंगे वो इजीली इसमें नीचे आ जाएंगे। कुछ हमारा डेली रूटीन का मटेरियल है, बॉक्सेस वगैरह, वो हमारे इसमें आ जाएंगे। एक बार हम नज़र मारते हैं फॉल सीलिंग पे, कितना शानदार रिंग लाइट में आप देख सकते हैं शैंडलियर लगा के दिया गया है आपको, जो कि हमारी किचन की ब्यूटी को और भी इनहांस कर रहा है। डबल शेडेड में हमारी ये किचन है, कंट्रास्ट कितना सुंदर है इसका। उसी के साथ साथ अब हम एक बार नज़र मारेंगे हमारे वॉशरूम पे, कितना ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है हमारे वॉशरूम। ये तो प्रॉपर हमारा बाथरूम है, उसी के साथ आप देखेंगे इसमें सीट नहीं है, तो इस साइड हमारी प्रॉपर वॉल हैंगिंग सीट है।
इस साइड हमारी एग्जॉस्ट की फिटिंग रहेगी, मतलब स्पेस इतना अच्छा दिया गया है इस वॉशरूम का। जितनी भी सैनिटरी है सारी ब्रांडेड है 2 इयर्स वारंटी के साथ। इस साइड हमारा वॉश बेसिन रहेगा, उसी के साथ साथ प्रॉपर अप टू रूफ हमारी टाइल्स रहने वाली हैं। इस साइड हमारी गीजर की फिटिंग है, मतलब जो चीज़ें हमें एक वॉशरूम में रिक्वायर्ड रहती हैं वो इसमें इजीली एक एक चीज़ दी गई है। तो ये तो था हमारा लिविंग एरिया, वॉशरूम और किचन। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम की ओर। वैसे तो बेसिकली हमारे दोनों ही मास्टर बेडरूम्स हैं। किंग साइज बेड के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है कि प्रॉपर इसमें ड्रेसिंग एरिया भी बना के दिया गया है। साइड में अप टू रूफ हमारी वार्डरोब रहेगी। उसके बाद भी इस बेडरूम में इतना स्पेस है कि आप अपना एक्स्ट्रा कुछ भी स्टडी टेबल या एक्स्ट्रा वार्डरोब या वैनिटी आप कुछ भी इजीली इस साइड रख सकते हो। प्रॉपरली स्पेस दिया गया है। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी फॉल सीलिंग पे, कितनी एलिगेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें वेंटिलेशन की तो इस साइड प्रॉपर हमारी शाफ्ट रहेगी। एसी की डक्टिंग जो रहेगी हमारा स्प्लिट एसी का प्रोविजन रहेगा। इस साइड सेपरेटली हमारा ड्रेसिंग एरिया रहेगा। नीचे प्रॉपर ड्रॉर्स वगैरह दिए गए हैं, मिरर लगा के दिया गया है। अपना जो भी कॉस्मेटिक है वो इजीली हम इसमें रख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें वार्डरोब्स की तो बहुत ही स्पेशियस रहेंगी हमारी ये वार्डरोब्स। प्रॉपर ऊपर भी हैंगिंग सिस्टम सब कुछ दे रखा है, नीचे ड्रॉर्स रहेंगे, जितना भी मटेरियल हम इजीली अपना इसमें रख सकते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब यहीं से होते हुए चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की ओर, जो कि हमारा सेकेंड मास्टर बेडरूम रहेगा। इसमें किंग साइज का हमारा बेड है, उसी के साथ ड्यूल में हमारी वार्डरोब्स रहेंगी जो कि हमारी दोनों साइड रहेंगी। इसमें भी हम देखेंगे स्पेस कितनी ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है हमारी ये वार्डरोब्स। दोनों साइड पे सेम स्पेस है। वेंटिलेशन पर्पज से भी इस साइड प्रॉपर हमारी शाफ्ट रहेगी। अगर हम बात करें एसी की डक्टिंग की तो स्प्लिट एसी का हमारा प्रोविजन रहेगा इसके अंदर। इस साइड एलईडी पैनल प्रॉपर आपको फिटेड करा के दिया जाएगा। अभी वो यहाँ पर हैंग हुआ नहीं है, जितना भी बड़ा एलईडी हो इजीली इस पे हैंग हो जाएगा। प्रॉपर स्विच बोर्ड्स वगैरह। एक बार हम नज़र मारते हैं हमारी फॉल सीलिंग पे। जितनी भी फॉल सीलिंग्स हैं सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे, चाहे वो हमारी लिविंग एरिया की हो, किचन की हो या बेडरूम्स की हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ये तो था हमारा 2 BHK 50 गज का। अगर हम बात करें लोकेशन तो राजापुरी इसकी लोकेशन है, नियर बाय द्वारका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ से पास रहेंगे, द्वारका मोड़, उत्तम नगर ईस्ट और उत्तम नगर वेस्ट। तो बहुत चीज़ें यहाँ से पास रहने वाली हैं, मल्टीपल चीज़ें रहेंगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी साइट विजिट बुक करा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में इसका प्राइस रिवील करूँगी, तो अगर आप इसे सेमी फर्निश लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो 19.5 लाख रुपये में, 19,50,000 रुपये में सेमी फर्निश्ड। अगर आप इसे फर्नीचर के साथ लेना चाहते हो तो मात्र 20 लाख रुपये में एज इट इज फ्लैट। जैसा कि मैं आपको इसमें पूरा आपको मैंने फ्लैट का टूर करवाया है, 20 लाख रुपए में ये फ्लैट आपका होगा। सारी मैंने आपको इसकी लोकेशन बता दी, कितना एरिया है। अब आप जल्द से जल्द नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपनी साइट विजिट बुक कराइए और पर्सनली इस फ्लैट को एक बार विजिट कीजिए। और अब वीडियो के एंड में एक बार मैं आपको गली भी इसमें दिखाऊंगी, जो फ्रंट साइड की हमारी 25 फुट की रोड रहने वाली है। थैंक यू।